रक्षित बाबा आप यहाँ? नमस्ते काकी माँ। नमस्ते बेटा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस यूं ही मन किया तो चले आए। ये काकी माँ है, बरसों से इस गांव में रह रही है। यूं गई है, इस पूरे गांव की काकी माँ यही है। काकी माँ ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी दृष्टि। नमस्ते। नमस्ते। ये उनकी छोटी बहन दिव्या और ये मेरा भाई शिखर। नमस्ते काकी माँ। नमस्ते। आप बड़े शुभ मुहूर्त में आए हैं। क्यों? अभी अभी लाखा भाई को गांव का नया सरपंच बनाया गया है। नमस्कार रक्षित बाबू। नमस्ते, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेटा यही सिर्फ खुशी नहीं है गांव में, और क्या है काकी माँ? वो देखो। अरे आप दोनों की तो नई नई शादी हुई है, कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो। बधाई हो। आज आप सब लोग खाना खा के जाना, दावत है सबकी। नमस्ते भैया भाभी। हाय। नमस्ते भैया भाभी। चिंटू ये तेरी भाभी नहीं है? तुम पहली बार आए हो ना इस गांव में? जी। तो तुझे इसका नाम कैसे पता? हाँ वो बच्चा है, छोटे बच्चे का चिंटू जैसा ही नाम होगा ना। अब इसका नाम चिंटू ही है, ये तो संजो की बात है। Convenience. आप मालिक हैं बाबूजी, आप जो बोलेंगे वही नाम पड़ जाएगा। आइए आइए चलिए। ले लो बेटा। और काकी माँ गाँव में सब कुशल मंगल है ना? हाँ ठीक ही है। अनिल गांव में तो सब ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कब यहाँ कौन कैसे? अरे वो लोग आ रहे हैं, जल्दी से भागो। कौन लोग? ये आवाज किसकी? बाइक्स की है। गांव वालों वो आ रहे हैं, सब अपने अपने घर के अंदर चले जाओ, भागो भागो जल्दी। इन बाइकर्स को तो मैंने विजन में देखा था। सरपंच जी क्या हुआ? आप लोग भी जल्दी चलिए यहाँ से। चलो चलो भागो, चलो जल्दी चलो। कौन थे ये लोग? तो ये वही लोग हैं जिनके बारे में आप हमें बता रहे थे, जो हमारे गांव पर बार बार हमला कर रहे हैं। हाँ रक्षित बाबा, उन्होंने आपकी हवेली पे भी कब्जा जमा लिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। पहले इस गांव की देखरेख आपके नाना जी किया करते थे, उनके बाद आपके पिताजी थे। काफी समय से गांव की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, हम बहुत अकेले पड़ गए। कोई नहीं है हमारे लिए लड़ने वाला, कोई नहीं है। वो फटफटिया वाले वो बुरे लोग हैं, इतना तो हम समझ गए कि वो लोग आप पर हमला कर रहे हैं। हाँ और उन्होंने हमारे हवेली पे कब्जा भी कर लिया। पर बहुत हो गया, उन्होंने जितनी मनमानी कर ली थी कर ली, अब उन्हें रोकना होगा। अब और कुछ गलत नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उन्हें करने नहीं देंगे। वो लोग बहुत अजीब लग रहे थे नहीं?
मुझे तो ये पूरे गांव वाले ही अजीब लगते हैं। निकम्मे नाकारे, कोई रामगढ़ क्या ये? शोले चल रही है क्या यहाँ? कुछ कहा क्या तुमने? हाँ, मैं कह रहा था कि काफी रात हो चुकी है तो कहीं जाके आराम कर लेना चाहिए। रक्षित बाबू, यही गांव के पास में एक लॉज है, हमने आप सबके रहने का वहां इंतजाम कर दिया है। जी नमस्ते। मिसेस शेरगिल, वो हवेली देख रही हो? ये हवेली हमारी खानदानी हवेली है। बचपन में अक्सर हम यहाँ आया करते थे और आज कितना अजीब लग रहा है ना। यह हवेली हमारी होकर भी हमारी नहीं है, उन शैतानों ने इस पर कब्जा कर लिया है। तो हम हमारी हवेली वापस ले लेंगे ना मिस्टर शैगिल? और हमारी हवेली वापस लेने के लिए मुझे लगता है हमें पहले ना उनकी कोई ना कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। तुम्हें क्या लगता है क्या कमजोरी होगी उनकी? पता नहीं, कुछ भी हो सकती है, हर एक की कोई ना कोई कमजोरी तो होती है, इनकी भी होगी। राइट। वैसे आपकी क्या है? हाइड एंड सीक, आई मीन लुका छिपी। मतलब? अरे मतलब बचपन में तुम इस गांव में आते थे, तुम्हें इस गांव की कोई तो बात याद होगी। हाँ याद है ना, इसी पेड़ के पास मैं और अक्षत भैया लुका छिपी खेलते थे। मैं गिनती गिनता था और भैया छुपते थे, लेकिन मैं भैया को हमेशा पकड़ लेता था, हमेशा मैं ही जीतता था। चीटिंग करके ना? सीरियसली, शिखर हर बार चीटिंग करता था और चीटिंग करके ही जीतता था। मैं कहीं भी छिप जाऊं, किसी कोने में चला जाऊं, वो मुझे ढूंढ ही निकालता था। इस हवेली, इस गांव की यादें आज भी मेरे दिमाग में ताजा हैं मिसेस शेरगिल। हमारी फैमिली की जान बसती है इस हवेली में, यह हमारी खानदानी हवेली है। इतनी आसानी से उन्हें इस पर कब्जा नहीं करने दूंगा। हाँ मिस्टर शैगिल, हम उन्हें हवेली नहीं लेने देंगे। हम देवी को नर्क से वापस ले आए, तो इन गुंडों से यह हवेली वापस लेना कौन सी बड़ी बात है? और हम इतनी खतरनाक पिशाचनी से इतनी बार लड़ चुके हैं, इतनी बार हरा चुके हैं, हमेशा उसका डटकर सामना किया है ना हमने, तो आपकी हवेली वापस लेने के लिए हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आंखों में कितनी चमक है, सुबह सुबह उठ गए इतने जल्दी, और तुझे देख सुबह सुबह उबासियां ले रही है। ले रही है। ए, समझ। दिव्या, तुम ठीक हो? ये क्या है? ये तो अस्थि कलश। क्या अस्थि कलश? ये गांव है ना, तो यहाँ लोग टोना टोटका बहुत करते हैं, इन सबने भी किया होगा। टोटका? हाँ टोटका, उसे हाथ पे काला धागा बांधते हैं ना, क्या कहते हैं उसे? अंधविश्वास या फिर वहम। हाँ वही वही। अगर अंधविश्वास भी है तो अस्थि कलश क्यों? हो सकता है इसका कनेक्शन इस गांव के कुएं से हो। तुझे अब तक याद है कि इस गांव में एक कुआं है? हाँ भैया, वो यहाँ कुआं तो हाँ, उस कुएं का पानी वरदानी है, उसे कुछ खास शक्तियों से ऐसा आशीर्वाद मिला है कि वो मृतकों से निपट सकता है, उन मृतकों से जो मरने के बाद भी धरती नहीं छोड़कर जाता। रक्षित, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाइकर्स भी मृतक है? गर्मा गर्म पोहे बनाए हैं, दे दूं सबको? नहीं नहीं काकी माँ, वो बस। ये क्या है? ऐसे हाथ से इशारा नहीं करते। काकी माँ, दुल्हन ने अभी तक कपड़े नहीं बदले, कल रात से सेम कपड़े पहने हैं। ये हमारे गांव की परंपरा है, 24 घंटे दुल्हन को दुल्हन के जोड़े में ही रहना पड़ता है। वैसे भी आज रात पूरन मासी है, उसके बाद वो कपड़ा बदल देगी। क्या है ना, आज की रात हमारे लिए बहुत खतरनाक है। काकी माँ, वो हम लौट चलते हैं। चलिए मिस्टर शैगिल, दिव्या। हाँ, हमें थोड़ा आराम करना है ना।
मैं नहीं चाहती आप उन गांव वालों से और कोई भी सवाल पूछे। वो लोग ऑलरेडी बाइकर्स से इतने डरे हुए थे। पता नहीं मिसेस शेरगिल, इस गांव में कहीं तो कुछ बहुत गलत हो रहा है। हाँ, उसी का तो पता लगाना है हमें। शिखर बेचारा, इसे तो ये बोलकर लाए थे कि गांव में मस्ती करेंगे, पर यहाँ तो मजा ही सजा बन गया है। पता नहीं किस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। कल ही इसका बर्थडे था और आज इतनी सारी टेंशन हो गई है। शिखर, शिखर, मैं सोच रही थी हमें बाइकर्स का क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब हम बाद में देख लेंगे, पर फिलहाल तो हम एंजॉय करते हैं। तो तुम बताओ, तुम्हें इस गांव में ऐसा क्या करना अच्छा लगता है जो हम कर सकते हैं? चलो गांव में घूमते हैं, उन यादों को, जगह को ढूंढते हैं जहाँ पे तुम और रक्षित लुका छुपी खेलते थे। गुड आइडिया। क्या सोच रहे हो शिखर? मैं सोच रहा था वहाँ उस मंदिर के पीछे वहाँ कुछ तो है, मतलब वहाँ कुछ छुपा हुआ है। तुझे कैसे पता? हाँ, बचपन में जब हम लुका छिपी खेला करते थे तब मैंने वहाँ कुछ छुपा दिया था, पर तुझे कैसे पता? पता नहीं, मैं तो। तो तुमने बचपन में वहाँ कुछ छुपाया था? बोलो क्या छुपाया था? बताओ। कुछ यादें छिपाई हैं। वहाँ मंदिर के पीछे मैंने सालों पहले एक हैंडीकैम छुपाया था। ये उसी की बात कर रहा है। हाँ, शी रक्षित, तुम ये सब करते थे? तुम दूसरे लोग के वीडियोस निकालते थे? यार, मैंने क्या सोचा था तुम्हारे बारे में? कितना सीधा साधा, कितना अच्छा, कितनी रेस्पेक्ट करती थी, और तुम ऐसे निकले। ओ माय गॉड रक्षित, यू आर टू बैड चीज। साली साहिबा, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। वहां मैंने कैमरा इसलिए छुपाया था क्योंकि मुझे हमारे छोटे भाई शिखर पर शक था। जब हम लुका छिपी खेलते थे ना, तब मुझे पूरा यकीन था कि ये चीटिंग करके ही जीतता है। तो बस इसलिए मैंने वहां एक कैमरा छुपा दिया था ताकि मुझे पता चल जाए इसकी चोरी का। और बस उसके बाद वो कैमरा मैंने वहीं दबा दिया। उसी कैमरे की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो चलो फिर हम वो हैंडीकैम ढूंढते हैं और पुरानी यादों को याद करते हैं। लालो, चलिए मिस्टर शेरगिल, देखते हैं। लेट्स गो। मुझे कैसे पता कि ये हैंडीकैम यहाँ? मुझे सब जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? मिल गया हैंडीकैम। ओह माय गॉड, चलो लॉज चलते हैं और इकट्ठे देखते हैं। हाँ, और जल्दी चलते हैं क्योंकि हमें गांव वापस आकर गांव वालों की रक्षा भी करनी है, और इससे पहले बाइकर्स अटैक करें हमें उन पर पलटवार करना है। हाँ, दी और मैं चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम और तुम्हारी दी सिर्फ लॉज में रहोगे। क्यों? मिस्टर शेरगिल, मैं नहीं चाहता जो नर्क में हुआ है वो दोबारा हो। देखिए मिस्टर शेरगिल, अगर आप हम दोनों को नहीं लेकर गए तो जो नर्क में हुआ वही दोबारा होगा, और पिछली बार की तरह इस बार भी शिखर मेरी ही मदद करेगा, है ना शिखर? बदमाश, अपनी भाभी के लिए भाई को दोबारा धोखा देगा? अरे एक काम करते हैं ना, आगे का काम आपस में बांट लेते हैं। हम चार लोग हैं, दो लोग की टीम बना लेते हैं। हाँ, शिखर सही बोल रहा है। तो मैं और तू बाइकर्स पे अटैक करेंगे। नहीं। तो कौन, आप और मैं? नहीं मिस्टर शेरगिल, प्लीज। हाँ, मेरी शक्तियाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब मेरे साथ दिव्या होती है। ओके गाइस, काम डाउन, मैं और दी जाते बाइकर्स पर अटैक करते हैं, और तुम दोनों? हम दोनों गांव वालों की रक्षा करेंगे। एक्सीलेंट, क्या बढ़िया प्लान बनाया है, दोनों बहनें एक साथ और दोनों भाई एक साथ। हाँ, तो सबसे पहले जाके ये देख ले। चलो चलो। इसकी बैटरी भी और इससे कनेक्ट करने वाला वायर भी। वाओ, कैसे मिला? अपनी चार्म से, जो सब पे काम करता है सिवाय आपके। चलो देखते हैं। अरे वो मैं। So cute. और वो शिखर। ये शान थे उसके। Five, four, three, two, one. कौन आया? अब मैं देखता हूँ। मदद करो हमारे बेटा। बाकी वो क्या हुआ? वो चिंटू हवेली के बाहर पेड़ के पास खेल रहा था। उसने बताया वो फटफटी वाले लोग कोई तो भयंकर योजना बना रहे हैं, कुछ तो बहुत बड़ा करने वाले हैं। वैसे भी आज पूरणमासी की रात है, मैं पहले ही डरी हुई हूँ। मिस्टर शेरगिल, यही सही वक्त है, हमें अपने प्लान पे काम करना शुरू करना चाहिए। काकी माँ, आप गाँव जाइए और चिंटू का ध्यान रखिए, हम सब संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद बेटा। जी मैं और दिव्य हवेली पर जा रहे हैं और उन बाइकर्स से निपटते हैं, तब तक आप दोनों गांव जाइए और गांव वालों का ख्याल रखें। मेरा फोन कहाँ? थैंक यू। मिसेस शेरगिल, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम फिर से अलग हो रहे हैं। क्यों? मेरे बिना आपकी शक्तियां कम पड़ जाती हैं। अपना ध्यान रखना। आप भी। सुनो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई भी डरावना टाइप का खतरा आ जाए तो प्रॉमिस करो तुम यहाँ नहीं रुकोगे, तुम भाग जाओगे। भाग जाओ? क्यों? तुम्हें मैं भगोड़ा या डरपोक लगता हूँ? नहीं स्टूपिड, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। यही सोच के कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। चल शिखर, अब हम अपना काम शुरू करें। शिखर, मेरी मदद के लिए मेरे पास मेरी शक्तियां हैं और तेरी मदद के लिए ये है, ये जादुई हथियार। ले पकड़। अरे भैया, ये तो भाई राम। हाँ देखा, मैं कहता था ना तू चीटिंग कर। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? शिखर, वो देख, वो बच्चा जो तेरी मदद कर रहा है, चिंटू है ना ये? इसे तो हमने आज सुबह ही देखा था। भैया ये तो वही बच्चा है, लेकिन ये वीडियो तो 20 साल पुराना है। हाँ कैसे? ये तो काकी माँ है। ये सब वो पीछे देख, वो दुल्हन उसी जोड़े में जिसमें हमने इसे देखा आज। सबके सब वही लोग, 20 साल पुरानी वीडियो में ये लोग, और आज हमने ये सब देखा। ये शिखर, वो अस्थि कलश उनके गांव वालों के, इसका मतलब सबके सब मर चुके हैं, मृतक है। अब तक इस धरती को छोड़ नहीं पाया, यही भटक रहे। भैया बुरे तो एक गांव वाले हैं। ओ गॉड, ये सब तो हमने सोचा भी नहीं था, या तो कुछ और ही खेल चल रहा है। आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।